तो फिरोजाबाद में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने सघन छापेमारी का अभियान चलाया। इस दौरान 25 नमूनों के सैंपल लेकर शासन की लेबोरेटरी में भेजा गया था। जांच के आधार पर रिपोर्ट आई तो कुछ सैंपल फेल हो गए, जिस पर सख्ती बरतते हुए दुकानदारों पर 2 लाख से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना लगाया गया है। तो वही सबसे अधिक सरसों के तेल के नमूने फेल हुए हैं। सरसों के तेल में सोयाबीन, पाम ऑयल और राइस ऑयल की मिलावट मिली है। भारी मात्रा में खुला सरसों का तेल बेचा जा रहा है, जबकि खुला सरसों का तेल प्रतिबंधित है। तो दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है। यूपी के फिरोजाबाद से जानकारी आपको दे रहे हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट पर सख्ती। खाद्य विभाग ने जुर्माना लगाया है। यूपी के फिरोजाबाद से जानकारी, मिलावट करने वालों पर 25 लाख का जुर्माना लगा है। छापेमारी के दौरान सैंपल लिए गए थे, दूध और सरसों के तेल के सैंपल फेल। आपको बता दें कि दुकानदारों पर अब जुर्माना लगाया गया है। मिलावट करने वालों पर 25 लाख का जुर्माना लगा है। छापेमारी के दौरान सैंपल लिए गए थे, दूध और सरसों के तेल के सैंपल फेल। यूपी के फिरोजाबाद से जानकारी, दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है। दूध और सरसों के तेल के सैंपल फेल, दुकानदारों पर जुर्माना लगा है। खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अब सख्ती। खाद्य विभाग ने जुर्माना लगाया है। तो मिलावट करने वालों पर 25 लाख का जुर्माना लगा है। छापेमारी के दौरान सैंपल लिए गए थे और अब ये कार्रवाई देखने को मिली है। दूध और सरसों के तेल के सैंपल फेल और दुकानदारों पर अब जुर्माना लगाया गया है। खाद्य पदार्थों पर मिलावट में अब देखिए सख्ती। तो मिलावट करने वालों पर 25 लाख का जुर्माना लगा है। छापेमारी के दौरान सैंपल लिए गए थे, दूध और सरसों के तेल के सैंपल फेल। यूपी के फिरोजाबाद से ये जानकारी, दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, देखिए छापेमारी के दौरान सैंपल लिए गए थे और ये फेल, अब 25 लाख का जुर्माना लगा है, क्या कुछ अभी अपडेट? जी, बताना चाहूंगा कि ये जो शासन की मंशा के अनुसार जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक कार्रवाई कराई गई थी और इसमें खाद्य पूर्ति विभाग ने, खाद्य सुरक्षा विभाग ने पूरी कार्रवाई की थी। पिछले कुछ दिनों से अभियान चल रहा था सैंपलिंग का, जहाँ पर शिकायतें मिल रही थी कि कुछ अवैध इस तरह का तेल है या दूध है, उसमें मिलावटी चीजों का कुछ यहाँ से बिक्री हो रही है, तो उसको लेकर विभाग ने कड़ी कार्रवाई की, सैंपलिंग की, और सैंपलिंग लेने के बाद में फिर वो उसको लैब में भेजा। लैब से मालूम पड़ा कि फेल की रिपोर्ट आई। जब फेल की रिपोर्ट आई तो एडीएम महोदय के द्वारा उसको न्यायालय में लंबित किया गया मामला। आज एडीएम साहब के द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं, करीब समथिंग 25 लोग थे, 25 लोगों को 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, देखिए जुर्माना लगा है, क्या इनसे पूछताछ भी की गई है, कुछ निकल करके सामने आया है? जी, पूछताछ का तो ऐसा है कॉलम नहीं रहता, क्योंकि बेसिकली जो सैंपलिंग जो ली जाती है, टीम जो सैंपलिंग लेती है तो उसको लैब में भेजा जाता है। जब लैब से जब आता है रिजल्ट उसका, तो फेल की जो रिपोर्ट आती है उसको विभाग फिर संबंधित अपर जिला अधिकारी के यहाँ न्यायालय में उसको प्रेषित कर देता है। फिर वो न्यायालय से जो भी तलब होता है उनका, जो जिनका व्यक्ति सैंपलिंग ली गई थी, तो वो दुकानदार सारे आते हैं और अपना पक्ष को रखते हैं। कहीं ना कहीं इस तरह की जो उन्होंने अपने पक्ष रखने में मजबूती नहीं रही, इस कारण उनको जुर्माना लगा। चलिए शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए।